राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जल्दी ही उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की कमान संभालने वाले हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है और प्रियंका गांधी सचिन पायलट की लोकप्रियता का फायदा लेना चाह रही है, क्योंकि सचिन पायलट की युवाओं और किसानों में भारी लोकप्रियता है। इसीलिए जल्दी ही सचिन पायलट को पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी मिल सकती है और पश्चिमी यूपी में सचिन पायलट के सब जातीय वोट बैंक को भी कांग्रेस के खाते में लेकर सत्ता की सीढ़ी तक जाना चाह रही है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान जानता है कि सचिन पायलट ने किस तरह राजस्थान में संघर्ष करके कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाया है। जहां पर कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट गई थी, उस कांग्रेस को भी सचिन पायलट ने सत्ता तक पहुंचा कर ही दम लिया और इसीलिए ही कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट को उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी देकर के सत्ता हासिल करना चाह रही है। सचिन पायलट युवाओं में भी काफी लोकप्रिय हैं और अपने भाषणों के माध्यम से लोगों को आकर्षित करने में भी नहीं चूकते हैं। सचिन पायलट ने कहा था कि कांग्रेस हाईकमान जो जिम्मेदारी मुझे देगा, मैं वह जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूं, लेकिन राजस्थान को नहीं छोड़ूंगा, राजस्थान में भी सक्रिय रूप से रहूंगा और सचिन पायलट यूपी की जिम्मेदारी लेने को तैयार है और राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले पूर्ण रूप से राजस्थान में सक्रिय भूमिका के साथ नजर आएंगे। अब देखना यह होगा कि सचिन पायलट आगे क्या निर्णय लेते हैं, क्या वो राजस्थान छोड़कर उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी उठाएंगे या फिर राजस्थान में ही सक्रिय बने रहेंगे।